अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, आइए देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफा टीवी न्यूज़ पर। नामालूम चोरों ने SBI ATM से रखे 500 रुपए के नोट को जलाकर खाक कर दिया। जब उन्होंने महाराष्ट्र में कैश मशीन को काटने की कोशिश की, ये वाकया चरपति संभाजी नगर के दौलताबाद पुलिस स्टेशन के इलाके में पेश आया, जहां पर चोरों ने ATM को कैश कटर से काटने की कोशिश की। पीर की सुबह 4:30 बजे CCTV फुटेज में चोरों को शटर का ताला तोड़ते देखा गया है। मशीनों की गर्मी से ATM में आग लग गई और नोट जल गए। मुकामी लोगों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। फायर ब्रिगेड और क्राइम ब्रांच ने मौके पर पहुंच गए। तकरीबन सब कुछ जल कर खाक हो गया और केस दर्ज करके तफसीलात जारी है। डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो और स्विगी ने प्लेटफॉर्म फीस 5 रुपए बढ़ाकर 20 रुपए पर ऑर्डर कर दी है। ये फीस फिलहाल दिल्ली और बेंगलुरु में चार्ज की जा रही है और बाद में दूसरे शहरों में भी लागू होंगे। प्लेटफॉर्म फीस GST रेसिडेंट चार्जेस और हैंडलोन चार्जेस मुख्तलिफ है। अप्रैल में जोमैटो ने प्लेटफॉर्म फीस 5 रुपए पर ऑर्डर बढ़ा दी थी। पिछले साल अगस्त में जोमैटो ने 2 रुपए की प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दी थी और बाद में इसे 3 रुपए कर दिया। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म का मकसद रोजाना 1.25 या 1.5 करोड़ रुपए कमाना है। हैदराबाद में इतवार की शाम को शदीद बारिश से निजामी जिंदगी दरबदर हो गई है। लंबी बारिश, तेज हवाएं और गरज चमक के साथ सड़कें डूब गई है। इसी तरह से ट्रैफिक में खलल पैदा हो गया। बारिश के अलावा तारनाका, उपल और सिकंदराबाद में ज्यादा थी। इसी तरह सिरगमपल्ली में 55 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है। दिन भर बूंदाबांदी के बाद शाम को मौसलदार बारिश हुई। हैदराबाद में पीर को येलो अलर्ट जारी कर दिया गया था। मलकपेट में शदीद सैलाब या इलाकों में ज़ायब हो गया है। मुसाफिरों को इख्तियारी तब्दील इख्तियार का करने का मशवरा दिया गया। आंध्र प्रदेश के कैकुंडा से उड़ीसा गैर कानूनी केशवों की मुंतकली नाकाम हो चुकी है। 244 से ज्यादा केशवों को गाड़ी के जरिए मुंतकिल किया जा रहा था, लेकिन जिले के करीब चक पर रोक दिया गया। इनमें से 16 केशवों पहले ही मौत हो चुकी थी। बाकी केशवों को जंगलात की तरफ से नदी में छोड़ दिया गया। जयपुर राजस्थान के जिले में गुरुमघाट रेलवे लाइन पर फोटोशूट के लिए एक जोड़े ने ट्रेन को देखकर घबराकर गहराई में छलांग लगा दी गई है, जिससे दोनों शदीद जख्मी हो गए हैं। रोजराज रोड से राहुली और उनकी बीवी जानवी हफ्ते की दोपहर गुरुमघाट घूमने आए थे। जामगंडी पुल पर मीटर रेलवे लाइन पर चढ़ते हुए जब मनवार पैसेंजर ट्रेन आई तो घबराकर पुल से नीचे छलांग लगा दी। करीबी रिश्तेदार ने वीडियो बनाई थी। ट्रेन के ड्राइवर और गौर ने जोड़े को रेस्क्यू किया और फ्लोर रेलवे स्टेशन से ले गए, जहां से उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। 15 जुलाई को हैदराबाद में स्टूडेंट यूनियन और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ एसोसिएशन ने चलो सेक्रेटरीट का ऐलान करके शदीद एहतजाज किया। सेक्रेटरीट को एक खले में तब्दील कर दिया गया है, जहां पुलिस ने एहलकार पूरी टैंगबॉन, लोअर टैंगबॉन, बशीरबाग, रविंद्र भारती और AG ऑफिस के करीब तैनात थे। पुलिस ने अशोकनगर, दिलनगर, सिकंदराबाद और दूसरे एरियों में भी एहतजाज करने वाले स्टूडेंट्स लीडर्स को हिरासत में लिया है। एहतजाज ने ग्रुप 2 और 3 के एग्जाम से और टीचर्स की भर्ती के लिए डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी DSC टेस्ट को पोस्टपोन करने का मुतालिबा किया। हैदराबाद में दाल की कीमतें आसमान को छू रही है। जिस तरह से साफरीन में तशवीश पैदा हो रही है, दाल की कीमतों में इजाफे की वजह बर के बुलंद सरा तालाब और रासत को फर्क को करार देता है और पेशनगोरी करते हैं कि जब तक दालों की नई फसलें मार्केट में नहीं आएंगी, महंगाई का राज चलेगा, अगले 6 माह तक जारी रहेगा। दाल जो पहले 150 से 160 रुपए पर किलो होती थी, अब 180 से 200 रुपए पर किलो में फरोख हो रही है। सुपरमार्केट में 220 रुपए पर किलो तक बढ़ गई है। हैदराबाद में गुज़िश्ता 15 दिनों के दौरान होने वाली बारिश से लोगों को मौसमी बीमारी से बचने के लिए ज़रूरी डॉक्टर ने खबरदार कर दिया है कि अगर बरवक्त इख्तियार तब्दील इख्तियार ना किया जाए तो मौसमी बीमारी मौसम के दौरान तेजी से फैल सकती है। पुरानी हवेली में वाक़ दुरेशवार चिल्ड्रन और जनरल हॉस्पिटल्स के डॉक्टर MD मौसमी बीमारियों के केसेस की तादाद गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कम है, लेकिन लोगों को चाहिए कि वो महफूज रहें, हाथ को बार बार धोएं और फ्लो वैक्सीन लगाए, खास तौर पर बुजुर्गों के लिए। हैदराबाद में तेज बारिश ने शहर की जिंदगी को उजलन में डाल दिया है। कल रात की जबरदस्त बारिश के बाद नसलीबी इलाकों में पानी के दाखिले होने की शिकायत मिली है।
कई कॉलोनीज के घरों में पानी भर गया है। सड़कों पर झील का मंजर देखने को मिल रहा था और बिजली के पोल्स और पेड़ों गिरने की सप्लाई में रुकावट पैदा हुई। जोनल कमिश्नर और मैरो ने इमरजेंसी टीम के साथ बातचीत की और इलाकों में भाव नाले पर बोर्ड लगाने का हुक्म दिया। मौसम डिपार्टमेंट ने बारिश के और भी होने का संभावना अलर्ट की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ते जा रही है। उनके फॉलोवर की तादाद अपोजिशन के इंडियन इतिहास के 11 अहम लीडरों के टोटल फॉलोवर से भी ज्यादा है, जो 9 करोड़ 50 लाख है। मोदी के फॉलोवर्स की तादाद 10 करोड़ है। उनके सपोर्टर्स की तादाद यूरोप कंट्रीज की आबादी से कई गुना ज्यादा है, जैसे न्यूजीलैंड के 18 गुना, कनाडा के 2.5 गुना, ब्रिटिश के 1.4 गुना, जर्मनी के 1.2 गुना, इटली के 2.5 गुना और ऑस्ट्रेलिया के 3.7 गुना। इसी तरह से मोदी की सपोर्टर्स की तादाद दुनिया भर के लीडर के जैसे अमेरिका जॉय बाइडेन और कनाडा इटली के पीएम से भी ज्यादा है। नादिन फिलहाल के लिए इस न्यूज में तय, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने है सफा टीवी न्यूज पर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी न्यूज नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज। क्या आप जानते हैं हर ठंडी दिखने वाली चीज आइसक्रीम नहीं होती? आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट में बहुत फर्क होता है। फ्रोजन डेजर्ट को बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति का इस्तेमाल किया जाता है और आइसक्रीम को बनाने के लिए रियल मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। रियल मिल्क आइसक्रीम मतलब अमूल आइसक्रीम। क्या आप चाहते हैं कि आपके पार्टी और फंक्शन में आपके मेहमान सिर्फ अमूल आइसक्रीम ही खाएं? या आप एक दुकानदार हैं और आप अपने कस्टमर्स को अमूल आइसक्रीम सेल करना चाहते हैं तो चले आए यू नीड इंटरप्राइजेस, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा अमूल आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूटर। 1,000 हो या 1,00,000, हम हैं आपकी खिदमत और दावत के लिए हमेशा तैयार। आज ही तशरीफ लाए यू नीड इंटरप्राइजेस बिसाइड लाइफलाइन हॉस्पिटल चंद्रायन गुट्टा हैदराबाद। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के अहम मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।